हाय एवरीवन, वेलकम टू बैक विद क्लासेस। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे डियर नर्सिंग एप्टीट्यूड की 35 नंबर सीरीज है। ये आपका कितना है? 35 सीरीज है, ठीक है। 35 सीरीज जो आपकी है काफी हेल्पफुल एंड इम्पॉर्टेंट होने वाले हैं। ये आप स्क्रीन पे देख के चले नहीं जाना आपको कि मेरे को आता है। इसकी फंक्शन मैं बताऊंगी, कहाँ से क्वेश्चंस आते हैं, कौन सा ये इसमें से एक क्वेश्चन आता है जो कि आपका क्रेनियल नर्व से डेफिनेटली क्वेश्चन एक पूछेगा डियर। चाहे वो कोई भी नर्सिंग ऑफिसर का एग्जाम हो, एंट्रेंस एग्जाम हो, जिसमें नर्सिंग एप्टीट्यूड जुड़ा है। यदि आप किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हैं, यदि आपके स्टेट में नर्सिंग एप्टीट्यूड से क्वेश्चन आएंगे डियर, तो डेफिनेटली ये क्वेश्चन यहाँ से आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्रेनियल नर्व टोटल हमारा कितने होते हैं, ये टोटल क्रेनियल नर्व यदि पूछता है टोटल का, तो टोटल क्रेनियल नर्व हमारा कितना होता है? 12 होता है। नोट करते जाइएगा डियर, यदि नोट करना आपको तो, क्योंकि यहाँ पे फिर से मिट जाएगा, ठीक है। 12 क्रेनियल नर्व होता है, जिसमें से हम यहाँ पे बात करने वाले डियर वन बाय वन, और इसकी फंक्शन क्या है ये हम बताने वाले हैं आज इस वीडियो में। और 34 तक जिसलिए मैंने अपलोड किया है डियर, यदि अभी तक आपने नहीं देखा है, चैनल पे नए हैं तो एक बार जरूर वॉच करें। बहुत ही इंपॉर्टेंट और काफी मदद मिलेगी डियर आपको एग्जाम के टाइम में। आपको लगेगा कि मैंने देखा तो आज मेरे को काम आ रहे हैं, ठीक है। तो आप पूरी वीडियो को देख लें, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, और साथ में डियर वीडियो पसंद आए तो लाइक और कमेंट करना ना भूलें। यहाँ पे देखिएगा, पहला जो है डियर आपका ऑल्फैक्ट्री नर्व है, यानी कि ऑल्फैक्ट्री नर्व किसमें जा रहा है? ऑप्शन फर्स्ट में। फर्स्ट नर्व हमारा कौन सा है? ऑल्फैक्ट्री नर्व है। ऑल्फैक्ट्री नर्व का काम क्या होता है डियर? इसकी फंक्शंस क्या होती है? फंक्शन भी एग्जाम में पूछते हैं कि ऑल्फैक्ट्री नर्व का फंक्शन क्या है, ऐसा अगर क्वेश्चन पूछेगा तो। ऑल्फैक्ट्री नर्व का फंक्शन क्या होता है डियर? इसकी स्मेल होती है। क्या होती है डियर? स्मेल होती है, ठीक है ना। इससे हम क्या करते हैं? स्मेलिंग का काम करते हैं, सूंघने में काम आता है, ओके। नेक्स्ट हमारा बात करेंगे ऑप्टिक नर्व, जो दूसरा है डियर। क्या है दूसरा नंबर पे हमारा? कौन है? ऑप्टिक नर्व है, ओके ना। ऑप्टिक नर्व का क्या काम है डियर? ऑप्टिक, ऑप्टिक का मतलब भी पता चल रहा है, ऑप्थाल्मिक यानी कि विजन। आप लोग नोट कर लीजिएगा डियर, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यानी कि विजन, ठीक है ना। नेक्स्ट हम बात करेंगे डियर, देखिएगा ऑक्यूलो मोटर नर्व, जो कि आपका तीसरा में जा रहा है। तीसरा में है डियर, तीसरा वाला क्या होता है? ऑक्यूलो मोटर नर्व में क्या होगा इसमें? ऑक्यूलो मोटर इसमें क्या होता है डियर? आई मूवमेंट होता है, ठीक है। आई मूवमेंट होती है एंड प्यूपिल रिफ्लेक्स होता है। क्या होता है डियर? आई को मूवमेंट जो हम लोग करते हैं ना, आई मूवमेंट, ठीक है। लिख लीजिए आप लोग आई मूवमेंट, ओके। और क्या होगा डियर? पिपिल का रिफ्लेक्स करना। एंड आपका क्या है डियर? पिपिल, प्यूपिल जो हमारा होता है, रिफ्लेक्शन होता है ना, प्यूपिल, वही। ये दोनों चीजें इसके अंदर में आएगा डियर, ठीक है, रिफ्लेक्स, ओके। ये तीन का यहाँ पे हो गया डियर, तीन का। अब हमारा क्या है? टोको, देखिएगा ट्रोकेलियर नर्व, जो कि आपका सीएन किसमें आएगा? क्रेनियल नर्व 4 में आएगा। सीएन का मतलब क्रेनियल नर्व है डियर, ठीक है। ये किसमें जाएगा डियर? आपका 4 में जाएगा। इसका काम क्या है डियर? क्रेनियल नर्व का आपका, इसका काम आपका आई मूवमेंट करवाना। क्या काम है डियर? आई मूवमेंट करवाना, ठीक है ना। क्या होगा? आई का मूवमेंट करवाना, ओके। अब हमारा क्या 5 नंबर में जो है डियर, 5 नंबर में क्या है? देखिएगा ट्राइजेमिनल नर्व, जो कि लार्जेस्ट नर्व है डियर। लार्जेस्ट, सबसे बड़ा पूछेगा डियर, सबसे बड़ा यदि पूछता है तो ट्राइजेमिनल नर्व होता है, जो कि क्रेनियल नर्व हमारा 5 होता है। इसका काम क्या है डियर? देखिएगा इसका काम क्या है, बड़ी है भी तो फेस को सेंसेशन करना एंड आपका चेविंग कराना। फेस सेंसेशन, क्या काम है डियर इसका? फेस में जो हमारा सेंसेशन आती है, फेस सेंसेशन, ओके, सेंसेशन, ठीक है। और आपका दूसरा क्या है डियर? दूसरा क्या है इसमें कि आपका एंड चिविंग है ना, चिविंग करना, जिसको हम लोग चिविंग करना। ये दोनों काम किसका है डियर? आपका पांचवा का है, आपका ट्राइजेमिनल नर्व का है। 5 तक हम लोग ऑलरेडी यहाँ पे लिख चुके डियर। नेक्स्ट हम देखते हैं आप 6 में क्या है। यहाँ पे मैं मिटा रही हूँ, आप लोग नोट करते जरूर जाएंगे डियर। 6 नंबर में आपका क्या है डियर? 6 नंबर में देखिएगा यहाँ पे क्या है, अब्डुसेंस नर्व। क्या है? अब्डुसेंस नर्व, ओके। ये 6 नंबर में है। अब्डुसेंस यानी कि इसमें क्या होगा डियर? इसका काम है आई मूवमेंट करवाना। इसका भी काम है डियर क्या करना? आई मूवमेंट, ठीक है। इसकी फंक्शंस होती है आई मूवमेंट करना। देन हमारा फेशियल नर्व की बात करेंगे डियर। फेशियल नर्व जो होता है 7 नर्व होता है, जो कि वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ये वाला एग्जाम में बहुत बार पूछा। फेशियल नर्व और ऑल्फैक्ट्री नर्व और ट्राइजेमिनल नर्व, ये तीनों जो है ना डियर, पहला, पांचवा और सातवा काफी बार एग्जाम में आए हैं और आपके एग्जाम में भी पूछा जा सकता है डियर, ठीक है। तो फेशियल नर्व में आपका क्या होगा डियर? फेशियल नर्व, फेशियल नर्व में क्या होता है? फेस को मूवमेंट कराएगा, और इसकी टेस्ट काम है डियर दोनों का, फेस मूवमेंट करवाना, ठीक है ना। फेसियल मतलब फेस मूवमेंट करवाना, और इसकी क्या होती है डियर? टेस्ट। क्या होता है? टेस्ट करना, ठीक है, टेस्ट करना इसका फंक्शन काम।
नेक्स्ट हमारा क्या आ रहा है, देखिएगा वेस्ट, देखिएगा वेस्टिबुलोकॉक्युलर नर्व, ठीक है ना, वेस्टिबुलोकॉक्युलर नर्व, जो कि हमारा एट नर्व है डियर। कितना नंबर? एट नर्व है। और एट नर्व का काम क्या होता है डियर? इसका क्या होता है? हियरिंग एंड बैलेंस करना। क्या होता है डियर इसमें? हियरिंग एंड बैलेंस करना, ठीक है। ये दोनों चीजें जाएंगे डियर इसके अंदर, हियरिंग एंड बैलेंस। बैलेंस करने का काम किसका डियर? इसका काम है, वेस्टिबुलोकॉक्युलर नर्व का बैलेंस करने का काम, ठीक है ना। नेक्स्ट हम बात करेंगे 9 नंबर में क्या डियर, देखिएगा ग्लोसोफारेंजियल नर्व, ग्लोसोफारेंजियल। लेकिन नाम भी अलग है डियर, बहुत अजीब सी है। आपको स्पेलिंग के साथ अपने हैंड राइटिंग में, नोटबुक में लिखना होगा डियर। हम लिखवाते जा रहे हैं, आप लोग लिखते जाइए, ठीक है ना। इसमें मैंने क्या बताया? हियरिंग बताया, हियरिंग के बारे में, और बैलेंस का काम करना किसका? 8 नंबर का काम है ना डियर, 8 नंबर का है। और 9 नंबर में आप काम क्या है? 9 नंबर का मैं देखती हूँ, 9 नंबर में आपको बता रही हूँ डियर। यहाँ पे आपका ग्लोसोफारिंजियल नर्व का, इसमें थ्रोट की सेंसेशन आती है, जो हमारे गर्दन में प्रॉब्लम आती है ना डियर, थ्रोट, THROAT, थ्रोट सेंसेशन होगी डियर। क्या होगा? थ्रोट की सेंसेशंस होंगी, देन उसके बाद टेस्ट होगा इसमें, और आपका एंड स्वेलिंग होगी, दोनों चीजें आएंगी। टेस्ट भी इसमें पता चलता है डियर, और स्वेलिंग का मतलब जो आपका स्वेलिंग होता है डियर, SWELLOWING, स्वॉलोइंग, यानी कि निगलने में प्रॉब्लम आएगा डियर। किसमें? हमारा 9th में, ये 9th, और आप पूछेगा डियर स्वॉलोइंग का किसमें प्रॉब्लम जाता है, तो ग्लोसोफारिंजियल नर्व में जाता है, जो थ्रोट से रिलेटेड है। वहां पे किसी तरह का इन्फ्लेमेशन आ जाती है, जिसमें हमारा निगलने, घुटने, पीने, खाने में प्रॉब्लम आती है। ओके डियर, तो ये आपका हो गया कहाँ तक? हम लोग 9th तक ऑलरेडी देख चुके हैं। अब 10, 11, 12, 3 बच गया डियर। 3 में आपका वेगस नर्व हमारा क्या है? 10th नर्व है। कौन सा है? वेगस नर्व हमारा क्या है? 10th है ना, वेगस नर्व। इसका काम क्या है डियर? इसका काम है मूवमेंट करना, और इसकी काम है सेंसेशन एंड एब्डोमिनल ऑर्गेन्स रिलेटेड है, सेंसेशन करना एंड एब्डोमिनल ऑर्गेन्स, ठीक है, एब्डोमिनल ऑर्गेन्स। आप लोग नोट कर ले डियर, ये काम तीनों है किसका? वेगस नर्व का, 10 वाले का। 11 में डियर एसेसरी नर्व है, एसेसरी नर्व 11 का है डियर। इसका क्या काम है आपका? एसेसरी नर्व का, तो एसेसरी नर्व का काम होता है डियर नेक का मूवमेंट करवाना। किसका करवाना डियर? इसका क्या है? नेक मूवमेंट करवाना। इसका काम क्या है डियर? नेक मूवमेंट करवाना। ओके, और आपका लास्ट में हाइपोग्लोसल नर्व बच गया। क्या बच गया? हाइपोग्लोसल नर्व, जो लास्ट एंड 12th नर्व है डियर, हाइपोग्लोसल नर्व। इसका काम क्या है डियर? इसका काम क्या है? तो एनी बडी इसका पुट कर सकते हैं, कोई भी तो बता सकते हैं, तो मैं बता देती हूँ यहाँ पे डियर, कि मूवमेंट करता है, सेंसेशंस रहता है एब्डोमिनल ऑर्गन्स, यानी कि ये तीनों के तीनों क्या हमारा 10th और 12th वाला दोनों सेम है डियर, ठीक है ना। ये मूवमेंट भी करेगा, सेंसेशन के काम भी हो एब्डोमिनल ऑर्गन्स के अंदर में, ठीक है। तो ये थी डियर 12th, जो कि हमारा क्रेनियल नर्व था 12th, और जहां से क्वेश्चन आपका पहला मैंने बताया, और आपकी मैंने ये 7वां फेशियल नर्व बताया, और ये 5वां, जो कि तीनों बहुत ही इंपॉर्टेंट है डियर। बाद में सभी के सभी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा कि पहला में क्या है, दूसरा, तीसरा, चौथा से लेकर 12 तक आपको याद रख लेना है डियर, ठीक है। सबका काम क्या है ये मैंने इस वीडियो में बता रखा है। तो आई होप कि आपको मेरी वीडियो पसंद आए हो, तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा डियर। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। फिर मिलेंगे डियर 36 सीरीज में, ठीक है। थैंक यू।